गाइस वेलकम बैक। स्वागत है आपका ईवीयूज के सेकंड एपिसोड में। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली खबर निकल के आ रही है ओला की तरफ से। ओला अपने इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल्स पे तो काम जम के कर ही रहा है, पर अभी उससे पहले ओला उतर रहा है ऑटो रिक्शास की दुनिया में। इनके ई रिक्शास बहुत जल्दी लॉन्च होने वाले हैं, हो सकता है 31 मार्च से पहले ही लॉन्च हो जाए। और इनकी ऑटो रिक्शा आने वाली है राही नाम से, तो हो सकता है राही बहुत जल्दी आपको राहों में दिखने शुरू हो जाए। और अभी तक तो इनकी सर्विसेज का सब कुछ ठीक चल रहा था, पर अभी ऑटो वालों को ये लोग किस तरह की सर्विस देंगे, ऑटो वाले इनकी खटिया किस तरह खड़ी करेंगे, तो वो सब देखने में मजा आएगा। तो देखते हैं आगे क्या होता है। उसके बाद खबर आती है TVS iQube की। ये जो मार्च का महीना है ना, इसको आप डिस्काउंट्स का महीना बोल सकते हो। अभी TVS iQube पे एक नया डिस्काउंट आ गया है। इसमें टोटल आपको सेविंग हो रही है 41,000 की, जिसमें कि 6,000 रुपए तो आपको नो कॉस्ट EMI पे कैशबैक मिल रहा है, और आपको एक्सटेंडेड वारंटीज पे डिस्काउंट मिल रहे हैं, और बहुत सारे ऑफर्स हैं जिनकी टोटल सेविंग आपकी हो रही है 41,000 रुपीज। तो ये ऑफर सिर्फ मार्च तक रहेगा या फिर आगे भी एक्सटेंड होगा, अभी इसके बारे में कुछ नहीं पता। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो इसको देख सकते हो। अभी हम ऑफर्स की बात कर ही रहे हैं, तो हीरो विडा उनका एडवांटेज पैक लेके आ गए आपके लिए। तो उनके स्कूटर के साथ आपको ये एडवांटेज पैक फ्री में मिलेगा, जिसकी कीमत वो लोग बता रहे हैं कि 27,000 रुपीज है। तो इस एडवांटेज पैक में आपको क्या क्या मिलेगा? एक तो आपको एक्सटेंडेड वारंटी मिलेगी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, और उसके बाद आपको विडा का जो फास्ट चार्जिंग नेटवर्क है उसका एक्सेस मिलेगा। हो सकता है उसमें आपको डिस्काउंट रेट्स पे चार्जिंग भी मिले, और उसके बाद आपको फ्री सर्विस मिलेगी विडा के पूरे इंडिया में किसी भी शोरूम में, और फिर आपको 24/7 रोड साइड असिस्टेंस मिलेगी इमरजेंसी सिचुएशन के लिए, और फिर जो माई विडा ऐप है उसके ऊपर आपको सारे के सारे कनेक्टिविटी फीचर्स फ्री में मिलने वाले हैं। तो ये उनका एडवांटेज पैक है। तो अगर आपको इस एडवांटेज पैक का एडवांटेज उठाना है, जो कि अप्रैल के महीने तक आपको मिलेगा, तो आप इसको चेकआउट कर सकते हो। तो उसके बाद एक और बहुत बड़ी खबर, हमारी जो गवर्नमेंट है उन्होंने न्यू फॉरेन ईवी पॉलिसी को अप्रूव कर दिया है। तो इसमें क्या है, देखो पहले जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज थी जो बाहर से अपनी गाड़ियां इंपोर्ट करती थी, उनका क्या था, उनको टैक्स पड़ता था इंपोर्ट करने का 70% से लेके 100% तक। पर अब वो टैक्स कम होके हो गया है 15%, पर उसके लिए कंपनीज को गवर्नमेंट की कुछ कंडीशंस फॉलो करनी होंगी, और अगर कंपनीज गवर्नमेंट की वो कंडीशंस को फॉलो करती हैं तो उनको इंपोर्ट के ऊपर अभी टैक्स पड़ेगा 15%। बहुत बड़ा गैप है यार 15% और कहां 100%। तो अभी बहुत सारी फॉरेन कंपनीज आई होप इंडिया में इन्वेस्ट करेंगी, अपने नए प्लांट्स ओपन करेंगी, और टेस्ला जो इंडिया में बहुत देर से रुका हुआ था, अब वो भी बहुत जल्दी आपको इंडियन मार्केट्स में जरूर दिखने वाली है। उसके बाद खबर आती है अपने इंडिया की सबसे चहेती मिड साइज SUV, जो कि है ह्युंडई क्रेटा की। तो ह्युंडई क्रेटा के चर्चे चल रहे हैं अभी उसके इलेक्ट्रिक अवतार में आने के। तो अभी फिलहाल के लिए साउथ कोरिया में ह्युंडई क्रेटा का इलेक्ट्रिक वर्जन स्पॉट किया गया है, और बहुत जल्दी आपको इंडिया में भी देखने को मिलेगा। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्रेटा का इलेक्ट्रिक वर्जन देखने के लिए। आपके इसके बारे में क्या विचार है आप कमेंट्स में बता सकते हो। तो ह्युंडई के बाद अभी महिंद्रा भी अपने ईवीज के लिए बहुत सीरियसली काम कर रहा है। उनका कहना है कि वो आने वाले कुछ सालों में अपने 5 नए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लॉन्च करने वाले हैं, और अभी रिसेंटली XUV E9 को स्पॉट किया गया है टेस्टिंग के दौरान, जिसका कंपटीशन आने वाले टाइम में टाटा कर्व ईवी के साथ होने वाला है। तो आने वाले टाइम में मार्केट में खूब धमाल मचने वाला है, बहुत कंपटीशन होने वाला है। तो जितना ये लोग लड़ेंगे आपस में उतना ही हमें मजा आएगा, उतना ही हमें प्राइस ड्रॉप्स देखने को मिलेंगे। तो देखते हैं आगे मार्केट में क्या होता है। उसके बाद ईवीज के लिए एक चिंता की बात सामने आई है। जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जैसे लैंड रोवर, जैगुआर, फोर्ड, फॉक्सवैगन, ऐसी कुछ कंपनीज हैं जिन्होंने अपने आने वाले ईवी प्रोजेक्ट्स के लिए ऊपर जो भी काम चल रहा था उसको भी या तो रोक दिया है या फिर डिले कर दिया है, क्योंकि अभी रिसर्चर्स का कहना है कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की डिमांड को उन्होंने एक्सपेक्ट किया था मार्केट में, अभी उतनी डिमांड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की नहीं आ पाई है।
तो फ्यूचर में जिस हिसाब से डिमांड होगी तो उस हिसाब से ये लोग अपने प्रोजेक्ट्स को दोबारा से स्टार्ट करेंगे या कंटिन्यू करेंगे। तो अभी देखते हैं मार्केट में क्या हाल होता है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का। तो आपको क्या लगता है अभी इस टाइम पे अगर आप कोई भी व्हीकल लोगे तो इलेक्ट्रिक व्हीकल लोगे या फिर आईसी इंजन की तरफ जाओगे, तो आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। उसके बाद इंडिया की सबसे छोटी इलेक्ट्रिक कार जो कि है एमजी कॉमेट, उसके कुछ स्टैट्स बाहर निकल के आए हैं। तो एमजी कॉमेट लॉन्च हुई थी अप्रैल 2023 में। तो अप्रैल 2023 से लेके जून 2023 तक कंपनी ने इसके 3052 यूनिट्स को प्रोड्यूस किया था, और अप्रैल 2023 से लेके अब तक कंपनी ने सिर्फ इसके 1914 यूनिट्स को ही बेचा है और बाकी के यूनिट्स कंपनी के पास ही खड़े हैं। तो इसकी डिमांड आगे जाके बढ़ेगी या फिर ये कंपनी इसको डिसकंटिन्यू कर देगी, तो क्या होता है आगे ये हमें आने वाले टाइम में ही पता चलेगा। उसके बाद खबर आ रही है एम्पियर की तरफ से। लास्ट ईयर ऑटो एक्सपो में एम्पियर ने अपना एक स्कूटर शोकेस किया था जिसका नाम है नेक्सस। अभी ये स्कूटर की टेस्टिंग वगैरह चल रही है और अभी इसकी प्रमोशन भी स्टार्ट हो गई है। अभी रिसेंटली इन्होंने अपने स्कूटर के साथ एक ट्रिप किया है कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, जो कि आपने अभी सोशल मीडिया पे इसके चर्चे हो रहे हैं उसको देख ही लिया होगा। और इसकी बुकिंग भी ओपन हो गई है इनकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। 499 रुपीज देके आप ये स्कूटर को बुक कर सकते हो। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप इसको चेकआउट कर लेना। लास्ट एपिसोड में मैंने आपको JSW ग्रुप और MG मोटर्स के बारे में बताया था, तो अभी इन्होंने अपना जॉइंट वेंचर अनाउंस कर दिया है। तो अभी ये लोग का प्लान है कि ये हर 5-6 महीने के अंदर एक नया इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट में लेके आए। इन लोग का कहना है कि ये लोग मारुति मोमेंट को रिक्रिएट करना चाहते हैं। जैसे 90s के अंदर मारुति ने धमाल मचाया था मार्केट में, तो वैसा ही ये चाहते हैं कि अभी ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की मार्केट में धमाल मचा दें। और अभी JSW ओडिशा के अंदर 40,000 करोड़ रुपीज की इन्वेस्टमेंट कर रहा है, जिसमें ये अपनी खुद की इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरीज बनाना शुरू करेंगे। तो अभी देखते हैं ये लोग क्या नया लेके आते हैं मार्केट में और किस तरह से काम करते हैं और क्या धमाल मचाते हैं। उसके बाद चंडीगढ़ से एक बहुत इंटरेस्टिंग खबर सामने आ रही है कि चंडीगढ़ में जो अनगार्डेड चार्जिंग स्टेशंस हैं वहां पे चोरियां चल रही हैं पिछले 2 महीने से, और 2 महीने के अंदर चोरों ने 1 करोड़ से ज्यादा के इक्विपमेंट्स को चुरा लिया है इन चार्जिंग स्टेशन से। तो ये चोरों को 1,000 तोपों की सलामी। तो बस यार आज के ईवीज एपिसोड में इतना ही था। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।